नमस्कार, मैं संगीता यादव और आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। रुक करते हैं आज की कुछ खास खबरों की तरफ। सिद्धार्थ मलैया द्वारा ग्रामीणों क्षेत्रों में जनसंवाद पैदल यात्रा दो के तीसरे दिन मलैया मिल परिसर में स्थित गौशाला में गौ माता की सेवा दुलार कर जनसंवाद यात्रा में गौ सेवा के लिए जागृत का भाव लेकर निकले। यात्रा की शुरुआत अमखेड़ा में तुलसी पूजन अर्चना से की, जो अमखेड़िया खंगचारपट्टी रंजना मैली जुझार घाट मुंडारी से होते हुए रियाना में तीसरे दिन का समापन हुआ। जन संवाद यात्रा के दौरान सिद्धार्थ मलैया ने ग्रामीणों के संवाद में कहा कि हमारा धर्म कहता है कि प्रत्येक घर में एक गाय होनी चाहिए। शहर के लिए यह बात बिल्कुल सही है, एक गाय रखनी चाहिए, लेकिन यही दे हम गांव की बात करें तो केवल एक गाय नहीं, अनेकों गाय हमें अपने पास रखनी चाहिए। गौ सेवा को धर्म में सर्वोत्तम कहा गया है। गाय में 33 कोटि देवताओं का वास होता है। यदि हम गाय की सेवा करते हैं, जिसका अर्थ है कि हम 33 कोटि देवताओं की सेवा कर रहे हैं। गाय हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। गाय से हमें दूध दही मक्खन घी आदि तो मिलता ही है, गाय के गोबर से खाद भी बना सकते हैं। गाय हमें कृषि में उपयोगी होती है। कहने का अर्थ है कि गोपालन से हम अपना धर्म तो निभाएंगे, साथ ही साथ हम अपनी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ करेंगे, अपना परिवार चला सकते हैं। या आज के दिन की शुरुआत आपने गौ सेवा और तुलसी पूजन से की है, तो आज के दिन का उद्देश्य क्या रखा फिर आपने? जो सोच के गए थे वैसा ही कुछ होने लगा। लोग गोपालन की खुद आगे रह के बात करने लगे। हमारा 1.5 लीटर की गैया है, इतना दूध देती है एक समय का, क्या ये बेहतर हो सकता है? 2.5 लीटर की कैसे हो सकती है? जो हम कहना चाहते थे वो आगे बढ़ के किसी ने कहा। एक राम सिंह लोधी यहाँ सज्जन हैं, वो मिल गए और आगे से रह के बात शुरू कर दी। तब सोच के लगा कि क्या सोच के चले थे और किस तरह से लोगों ने, कोई अपने आप ही स्वतः आके इस तरह से बात की। तो अब ये आयाम तय कर लिया है कि जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर गौपालन की बात करेंगे कि धर्म है गौपालन, गौ सेवा करना, और आपके परिवार का धर्म बन सकता है वो अगर आप उसको व्यावसायिक रूप से ठीक तरह से करें। तो गौपालन आज का एक नया आयाम है जो हर जगह हम चाहते हैं कि जहाँ पर भी लोगों से मिलना होगा उस बारे में ज़रूर कहेंगे। अभी तक के आपने पहले चरण में 4 दिन की यात्रा की और अब दूसरे चरण में 5 दिन की यात्रा है, तो क्या अनुभव मिला है आपको? मिला जुला अनुभव है। कई जगह लोग आपको सुनते हैं, अच्छे से सुनते हैं, और बहुत सारी जगह सिर्फ वो अपनी बात कहना चाहते हैं, तो वो भी बात में देर से समझ में आया कि सिर्फ अपनी बात कहना चाहते हैं। आप उनकी बात सुन लेते हैं तो उनका मन हल्का हो जाता है, वो कहना चाहते हैं, कोई किसी को सुनाना चाहते हैं। तो ये एक बड़ी बात है जो मेरे लिए नई है कि बहुत बार आपसे सुनते रहें, हर चीज़ को हल करने की कोशिश नहीं करें, सुन लें, उसमें से जो हो सकता है उसके लिए एक सबसे अच्छी कोशिश आप करें, पर पहले सुन लें इत्मीनान से बिना उन्हें रोके टोके। तो ये एक अपने आप में एक बड़ी सीख है। सिद्धार्थ भैया आए हैं आपके, हाँ, क्या कहना चाहोगे? क्या कहना चाहोगे, आसीन ही बात है कि ये तो जीतने ही हैं। वो कैसे है? जितने पैदल आए हैं हमारे यहाँ नेता, वे जीते ही हैं, कबू हारे ही नहीं है। ऐसा? हाँ, और मतलब, जो तीसरा मर्तबा है। इससे पहले किसने पद यात्रा की यहाँ पर आकर? इन राहुल भज्जा ने करी थी। हाँ, वे जीत गए। हाँ, और जे अरे आप आई के दमो को जे कांग्रेस पार्टी से भेजी दे थे, हाँ, उनने भी करी थी, सुबह जीते। और अब? अब भज्जा जी कर रहे हैं, बराबर जीते। विश्वास पूर्ण। भैया सिद्धार्थ आए हैं, हमारे कच्चे रोड देहातों में घूम रहे हैं, हमारा बड़ी खुशी है इस बात की, और पानी की योजना ये फैला रहे हैं। भैया के प्रति सब लोगों के विचार और भावना ठीक है, और भैया सब लोगों के लिए ठीक है। वो तो लोगों का जो का उल्लास था वो आज भी है, और भैया भी लोगों की सुनने आ रहे हैं। ऐसी कड़ी धूप में कौन कहाँ जा रहा है यार, घर से तो कोई निकल नहीं पा रहा, लेकिन भैया तो इतनी धूप में चल रहे, पैदल यात्रा चल रहे, सबसे मिल रहे, सबकी समस्या भी सुन रहे, उमा सद्धरू की योजना भी बता रहा है कि भैया यार आपकी जो समस्या है वो खत्म होगी आने वाली। वो चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है। आज तक किसी नेता या प्रतिनिधि ने आके कोई नई यात्रा निकाली, नए योजनाओं के बारे में बताया,
कुटीरों के बारे में अच्छे से समझा रहे हैं, जो और छोटी छोटी समस्याएं हैं उनके बारे में भी भैया जानकारी दे रहे हैं। और माँ सत धरु से जो सिंचाई की, जिन गांव में सिंचाई के लिए पानी जाना है उनके उनको उस विषय में भी बता रहे हैं। और लोगों में बहुत हर्ष है और भैया से बहुत ज़्यादा प्रसन्न चल रहा है कि ऐसा कोई व्यक्ति तो सामने आया जो लोगों की समस्याओं को सुन रहा है और उनके बीच जा रहा है ऐसी कड़ी धूप में। धन्यवाद। नहीं, भैया ने हमेशा लोग